अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, दिस इज़ ज़ुल्करनैन। और कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं फ़ैन डिमर जो होता है रेगुलेटर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊं। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन काम है, आपको पता है हर घर की ज़रूरत है ये। तो आज हम इस पर सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि मैं आप लोगों को एक सैम्पल बना के भी दिखाऊँगा, उसके बाद उसको टेस्ट भी करके दिखाऊँगा। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी इन्वेस्टमेंट की दो सूरतें हैं। एक तो ये कि इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं जो बाहर प्लास्टिक के होते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये तीन से अगर तो आपको ये बने बनाए कहीं से मिल जाते हैं, जो कि मैंने सुना है कि हाल रोड लाहौर से मिल जाते हैं ये बने बनाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है वहाँ से, तो आपको ये काम शुरू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हज़ार रुपये चाहिए। अगर तो आपको ये बॉडी पार्ट्स बने बनाए कहीं से नहीं मिलते तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए काम शुरू करने के लिए। उसकी वजह ऐसे है कि जब आप ये बॉडी पार्ट्स खुद बनवाएंगे, उससे ऐसे होगा कि आपको इंजेक्शन मोल्डिंग वालों के पास जाना पड़ेगा, वो आपके जो अपना ये बॉडी है इसकी, इसके हिसाब से डाई बनवाएंगे जो कि 35 से 40 हज़ार रुपये की बनती है। उसके बाद आपको माल तैयार करके देंगे, जो कि वो माल भी थोड़ी क्वान्टिटी में नहीं तैयार करके देंगे बल्कि आपको बल्क क्वांटिटी में तैयार करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब आपको बॉडी पार्ट्स अलग से बनवाने पड़े खुद के, तब आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। अगर तो आपको बॉडी पार्ट्स कहीं से बने बनाए मिल जाते हैं तब आपको इन्वेस्टमेंट कम चाहिए। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए बुनियादी तौर पर इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक तो इसका एक्सटर्नल हिस्सा जो कि इसकी बॉडी का हिस्सा है जो कि प्लास्टिक का होता है, उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा इसका इंटरनल हिस्सा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं तो ये तफसील मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जब मैं इसे तैयार करूंगा आपके सामने। तो बगैर कोई देर किए तो हम शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आप मेरे हाथ में एक डिमर देख रहे हैं, तो आप उसके सामने मल्टीमीटर भी देख रहे हैं। तो जब मैं इसे घुमाता हूँ तो इसके वोल्टेज कम होते हैं, तो यही वजह होती है कि जब वोल्टेज कम होते हैं तो हमारा पंखा आहिस्ता हो जाता है, और जब वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो हमारा पंखा तेज़ हो जाता है। तो बेसिकली ये एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है और ये इसी बुनियाद पे काम करता है। अच्छा जी, इसमें टोटल सिर्फ 5 कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं और ये तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं। तो ये अगर आप इसे होलसेल पे परचेज़ करेंगे, यानी कि ज़्यादा क्वान्टिटी में परचेज़ करेंगे, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रुपए में पड़ेंगे। तो इसमें नंबर 1 पे है 500 के वेरिएबल रजिस्टर, उसके बाद दूसरे नंबर पे है BT1036 का ट्राइक, उसके बाद तीसरे नंबर पे है 683 का 100 वोल्ट का प्लस्टर कैपेसिटर, और चौथे नंबर पे है 4.7K का रजिस्टर, और पाँचवें नंबर पर है DB3 का डायक। चलें जी अब इसे बनाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल रजिस्टर है जिसे पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, इसे क्लिप में फंसा लेंगे, उसके बाद इसकी लेफ्ट पिन पे डायक लगाएंगे, उसके बाद इसकी जो सेंटर वाली पिन है उस पर हम 4.7K का रजिस्टर लगाएंगे, और राइट वाली पिन जो है वो उसे फ्री छोड़ देंगे, वो हमारे काम नहीं आएगी। तो इसके बाद हम इस पर ट्राइक लगाएंगे, आप कनेक्शन देख सकते हैं। इस तरह कनेक्शन करने का मकसद यही है कि आपको सही से समझ आ सके कि मैं कनेक्शन किस तरह लगा रहा हूँ। अच्छा जी, सेंटर वाली पिन हम रजिस्टर के साथ जोड़ लेंगे और डाइक का कनेक्शन भी कर देंगे। उसके बाद हमने इस पर लगाना है कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो एक साइड होगी वो हमारे ट्राइक के साथ लगेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो कैपेसिटर की दूसरी साइड होगी वो जहां हमने पोटेंशियोमीटर यानी कि वेरिएबल रजिस्टर के साथ ट्राइक लगाया था, उस पॉइंट पे हम इसे कनेक्शन कर देंगे। तो बस इसमें इतने ही कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, और ये इसके बाद हम इस पर आउटपुट के लिए वायर्स लगा देंगे। ट्रैक की जो राइट वाली साइड है एक उस पर लगा देंगे, और जो इसकी दूसरी वायर हम लगाएंगे वो इसकी सेंटर वाली पिन पे लगा देंगे। अच्छा जी, बस ये हमारा तैयार हो गया, तो अब हम इसे जो है ना टेस्ट करेंगे।
आप इसे एक दफ़ा देख भी लें कि मतलब कहाँ कहाँ पे कनेक्शन किस तरह से हुए हैं। चलें जी, अब इसे टेस्ट करते हैं। जी, मल्टीमीटर कनेक्ट हो गया, 220 वोल्ट ये शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं इसे राइट साइड पे घुमा रहा हूँ तो वोल्टेज कम हो रहे हैं, और जब मैं इसे वापस जो है ना लेफ्ट साइड पे घुमाऊँगा तो इसके वोल्टेज ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इट्स वर्किंग परफेक्ट। अच्छा जी, ये है पीसीबी, एक छोटा सा पीसीबी है। अगर ये ना भी हो तो भी काम चलता है, अगर हो तो ये अच्छा होता है। उसकी वजह ये है कि इस पर कंपोनेंट्स सारे इकट्ठे लगा के उसके बाद इकट्ठे इस पर टांके लगाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से काम आसानी से हो जाता है और तेज़ी से हो जाता है, और ये जो है ना बॉडी में सही तरीके से बैठ भी जाता है। तो इसके बाद ये इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। वो कनेक्शन मैंने इसलिए किए थे इस तरह कि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना ये काम जो ये आप देख रहे हैं ये इसलिए होता है कि काम हमारा तेज़ी से हो जाए और आसानी से हो जाए। तो अगर आप पीसीबी कहीं से बनवाते हैं तो ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो जाते हैं और आसानी से बंदे मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जो के पीसीबी बनाते हो। ये ज़्यादा ज़्यादा एक पीस आपको पड़ेगा 2 से 3 रुपये में, लेकिन आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनवाने पड़ेंगे। ये कनेक्शन करने के बाद इसे बॉडी में फिट कर लेते हैं। इसका जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है, पोटेंशियोमीटर की जो नॉब है वो उसमें लग जाती है, और पीछे से तारे निकाल के बॉडी का जो पीछे वाला हिस्सा है इस तरह इसमें फिट हो जाता है। तो इसके ऊपर नट होता है जो इस पर टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियोमीटर हिलता नहीं है। उसके बाद जो है इसका जो नॉब है जिससे हम घुमा के स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं वो इस पर लगा देते हैं, उसके बाद ये तैयार हो जाता है। अच्छा जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।